सो लास्ट क्लास तक हमने देखा था, वी अंडरस्टूड, हमने डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था माई एस क्यू एल वर्क बेंच एंड माई एस क्यू एल सर्वर. ऑल्सो हमने देखा था कि माई एस क्यू एल वर्क बेंच जिसमें हम लोग वील वर्क, वो उसका इंटरफेस कैसा होता है. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट बाई क्रिएटिंग डेटा बेसिस एंड टेबल्स. सो वॉट इज़ अ डेटा बेस एंड कैसे क्रिएट करते हैं, वॉट इज़ अ डेटा बेस, वॉट इज़ अ रिलेशनल डेटा बेस, वो सारा थ्योरी हमने कर लिया है. आज की क्लास में भी देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ थ्योरी प्रेजेंट, बट अभी हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर देंगे इन आर माई एस क्यू एल वर्क बेंच. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन यू वॉन्ट टू क्रिएट अ टेबल, तो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, वॉट इज़ द कोड, वेरी सिंपल. क्रिएट डेटाबेस, जो भी क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट का नाम बताया जाता है, क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है. सो क्रिएट डेटाबेस एंड उसके बाद डेटाबेस का जो भी नेम है, ठीक है. नाउ इफ यू ऑल कैन सी माय कर्सर ओवर हियर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ़ नॉट एग्जिस्ट, इफ़ नॉट एग्जिस्ट ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है, इफ़ नॉट एग्जिस्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिकॉज इसमें क्या है, दिस एनी थिंग विद इन द ब्रैकेट, एनी पार्ट ऑफ द फंक्शन और योर कोड विद इन द ब्रैकेट, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू यूज़ इट, बट स्टिल इफ नॉट एग्जिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, सो दैट इफ देर आर देर इज़ अ डेटा बेस विद द सेम नेम, तो वो डेटा बेस फिर नहीं बनेगा, ठीक है. बिकॉज जनरली वॉट हैपन्स दैट अगर दो या तीन डेटा बेस का सेम नेम है तो उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा बाद में वैन यू यूज़ दोज डेटा बेसिस फॉर फर्दर एनालिसिस, ठीक है. तो क्रिएट डेटा बेस इफ नॉट एग्जिस्ट एंड देन द डेटा बेस का नेम, ठीक है. सो दिस इज द इंटायर वे यू कैन क्रिएट अ पर्टिकुलर डेटा बेस. वॉट इज द डेटा बेस, डेटा बेस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टेबल्स, दीज आर द टेबल्स विच यू सी ओवर हियर इन द डायग्राम, कस्टमर्स टेबल, सेल्स टेबल्स, आइटम्स टेबल्स एंड कंपनीज टेबल. एंड उसके बाद इसके साथ साथ डेटा बेस इज ऑल्सो नोन एज स्कीमा, ठीक है. तो हम लोग पहले एक बार ट्राई करते हैं हाउ टू क्रिएट डेटा बेस, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग अ कोड इन माई एस क्यू एल वर्क बेंच. उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये सिंटैक्स होता कैसे है. ये बेसिकली इन एस क्यू एल वी कॉल दिस एज क्वेरी. नाउ वॉट इज़ अ क्वेरी, हम लोग इसी क्लास में देखेंगे. क्रिएट डेटा बेस इफ नॉट एग्जिस्ट, ये मैंने बताया. एंड हम लोग डेटा बेस बना रहे हैं सेल्स, दिस इज़ अ सेल्स टेबल, सो डो नॉट गेट कन्फ्यूज. सेल्स डेटा बेस का नाम है, उसके अंदर देर विल बी डिफरेंट टेबल्स एंड वो टेबल, जैसे एक टेबल हो गया सेल्स, एक टेबल हो गया कस्टमर्स, एक हो गया आइटम्स एंड एक हो गया कंपनीज, ठीक है. तो ये सारे अलग अलग टेबल्स है विद इन आर डेटा बेस नेम्ड एज सेल्स, ठीक है. तो सेल्स विल बी द नेम गिवन टू आर टेबल. सो बेसिकली मैंने क्या बोला, वी आर क्रिएटिंग अ डेटा बेस, ठीक है. वी कैन, तो सिंपली व्हेन यू वांट टू क्रिएट समथिंग यू पास द कमांड क्रिएट, ठीक है. अब आपको क्या क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, तो वो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखोगे विच इज़ योर डेटाबेस एंड देन विद इन द ब्रैकेट वी हैव इफ नॉट एग्जिस्ट एंड देन डेटाबेस का नेम एंड देन वी हैव अ सेमी कोलन. यहाँ पे फ्रॉम द डे वन वी आर डीलिंग विद अ सेल्स डेटाबेस. वी हैव सीन देयर आर फोर टेबल्स विच वी आर डीलिंग विद, सेल्स टेबल, कस्टमर्स टेबल, आइटम्स टेबल एंड कंपनीज टेबल. दिस दीज आर द फोर डिफरेंट टेबल्स विच वी आर डीलिंग विद एंड ये सारे टेबल्स किस में आते हैं, हमारे एक डेटा बेस के अंदर. एंड उस डेटा बेस का नाम क्या हम दे सकते हैं, कुछ भी, समथिंग विच इज़ रेलिवेंट, सेल्स टेबल, ठीक है. तो ये हम नाम दे सकते हैं अपने इंटायर डेटा बेस को जिसके अंदर वील हैव डिफरेंट टेबल्स. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स, लेट अस अंडरस्टैंड द इंटायर सिंटैक्स. सिंटैक्स नहीं बोलते हैं हम लोग एस क्यू एल में, क्वेरी बोलते हैं. नाउ वाई डू वी कॉल इट क्वेरी, वील कम टू दैट लेटर ऑन इन दिस पार्ट ऑफ द क्लास ओनली. क्रिएट डेटा बेस इफ नॉट एग्जिस्ट सेल्स, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यू नीड टू से दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग. वॉट डू यू वॉन्ट टू क्रिएट, यू वॉन्ट टू क्रिएट अ डेटा बेस. सो यू नीड टू राइट क्रिएट एंड देन यू नीड टू राइट डेटा बेस, ठीक है. तो आपको क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, डेटा बेस क्रिएट करना है, ठीक है. तो क्रिएट डेटा बेस विच मीन्स विच क्रिएट्स एन एब्स्ट्रैक्ट यूनिट. इससे कुछ अंदर में आप डाल नहीं रहे हो, आप जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट यूनिट, एक डेटा बेस क्रिएट करो. उसके अंदर अभी तक हमने टेबल्स क्रिएट नहीं करा है. नेक्स्ट इज इफ नॉट एग्जिस्ट. इफ नॉट एग्जिस्ट अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज विद इन द ब्रैकेट,
दिस इज विद इन द ब्रैकेट. विद इन द ब्रैकेट जब भी हमारा कोई भी पार्ट ऑफ अ कोड है, इसका मतलब दैट इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, दैट इज अ ऑप्शनल पार्ट ऑफ अ क्वेरी विच इज़ नॉट मैंडेटरी, विच इज़ नॉट कंपल्सरी, बट स्टिल हम लोग लिखते हैं. क्यों? सपोज हो सकता है कि ये सेम नेम का डेटा बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या वापस से हम लोग सेम नेम का क्रिएट करेंगे डेटा बेस? कन्फ्यूजन हो जाएगा लेटर ऑन जब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डेटा बेस से, तो क्या होगा बाद में बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है. उसके लिए वी यूज़ दिस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट स्टिल वी यूज़ इट. वाई? इफ देर इज़ सम अदर डेटा बेस विद द सेम नेम, देन दिस डेटा बेस विल नॉट बी क्रिएटेड. यू विल गेट अ एरर या फिर यू विल गेट अ वार्निंग दैट देर एग्जिस्ट and database with this particular name. But if you do not use if not exist, you will again create a database with the same name called sales. ठीक है, next is your sales. ठीक है, next is your sales which is the name of the database which you are given. Now there is a certain convention. हम लोग naming कैसे करते हैं, हमने देखा है जब हम लोग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीख रहे थे, हमेशा वी फॉलो अ नेमिंग कन्वेंशन. जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को नेम करते हो, फॉलो अ नेमिंग कन्वेंशन. द नेम्स शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी रिलेटेड टू द कंटेंट. कुछ भी रैंडमली नहीं दे दिया. सपोज बहुत जन लिख देते हैं डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3, बट इससे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि डेटाबेस 1 क्या था, डेटाबेस 2 क्या था, किससे रिलेटेड था. तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है. उसके बाद इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड नॉट, एसक्यूएल कोड इज़ नॉट केस सेंसिटिव. तो ये याद रखना, इफ़ यू राइट सेल्स इन स्मॉल लेटर्स और इफ़ यू राइट सेल्स इन कैपिटल लेटर्स, इट विल नॉट मैटर बिकॉज इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव. द कोड्स आर ऑप्शनल, शुड नॉट बी वेग. एकदम भी वेग कोई भी नाम, जैसे मैंने बोला डेटाबेस 1 आपने दे दिया डेटाबेस 2, वैसे नहीं करने. यू शुड गिव अ स्पेसिफिक नेम विच इज़ रिलेटेड टू योर कंटेंट. हमारा क्या कंटेंट है? सेल्स के ऊपर हमारा डेटा है. नाउ यू ऑल कैन सी ये क्या है, दिस इज़ द डेटाबेस नेम विच इज़ सेल्स. बट यहाँ पे इफ़ यू सी देर इज़ अ टेबल, देर इज़ अ टेबल ऑफ सेल्स टेबल, ठीक है. तो ये सेल्स टेबल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस डज नॉट मीन कि सेल्स टेबल एंड सेल्स डेटाबेस दो चीज़ अलग अलग नहीं क्रिएट हो सकते. हो सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ टेबल, सेल्स टेबल, एंड दिस इज़ योर सेल्स डेटाबेस, ठीक है. तो हम लोग बना सकते हैं सेल्स डेटाबेस के अंदर, वी कैन मेक अ सेल्स टेबल, दिस कैन बी डन. ये याद रखना, दीज आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. डेटाबेस उसके अंदर काफ़ी कुछ होते हैं, टेबल्स, व्यूज, रिलेशंस, हम लोग सब कुछ धीरे धीरे सीखेंगे. हम लोग अभी इसके इस क्लास में वी लर्न हाउ टू क्रिएट टेबल्स एंड डेटाबेस. ओके, मूविंग ऑन. ऐसा जैसे मैंने बोला डेटाबेस 1, डेटा अबाउट सेल्स इन इंडिया, तो इतना बड़ा बड़ा नाम भी नहीं देना है, वेग नाम नहीं देना है. स्मॉल, शॉर्ट एंड रिलेटेड टू कंटेंट योर नेम्स शुड बी. Then you give a semicolon at the very end. This semicolon is very very important because इससे पता चलता है कि your statement or your query is terminated. ठीक है, मतलब कि this is the end of your statement, this is the end of your query. If two statements are present in the same line, same code, हम लोग ये देखेंगे आगे, तो इसके लिए this using a semicolon becomes very very important. For a one liner code, if you not write a colon semicolon, it is fine, but then generally it is from the purpose of a programming language. When you are writing a programming language, when you are writing these queries, it is important that you use a semicolon at the end. It will help you to avoid any errors, any, and it will basically improve your readability. Baad mein jo when you read your code, you will understand ki acha abhi code khatam ho raha hai. ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट, मूव टू आवर वर्क बेंच. आई होप आपने सबने माई एसक्यूएल वर्क बेंच डाउनलोड कर लिया था, इंस्टॉल कर लिया था, एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद अ वेरी वेरी फर्स्ट क्वेरी. दिस क्वेरी इज़ टू क्रिएट अ डेटाबेस कॉल्ड सेल्स. ठीक है, तो हम लोग ये पूरा क्वेरी जो है हम लोग पास करेंगे अपने माई एसक्यूएल वर्क बेंच में. ओके, सो आई हैव माई एसक्यूएल वर्क बेंच, आई हैव ऑलरेडी ओपन्ड दैट. देख लो आपका ऐसा ओपन हुआ होगा. आपको कोई भी कनेक्शन बनाना है तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करते हैं एंड वी क्रिएट अ न्यू कनेक्शन. यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द कनेक्शन एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ओके. ठीक है, आप टेस्ट भी कर सकते हो. टेस्ट क्यों? क्योंकि आपका वो टेस्ट हो जाएगा कि आपका पासवर्ड आपने सही डाला है कि नहीं, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन ओके. दिस आई हैव टॉट यू ऑल इन द लास्ट क्लास, वी आई एम नॉट गोइंग टू इलैबोरेट दिस नाउ. आई हैव ऑलरेडी ओपन्ड अ न्यू क्वेरी, अ न्यू कनेक्शन ओवर हेयर.
अ न्यू कनेक्शन ओवर हियर. अब इसमें हम लोग अपना फर्स्ट क्वेरी लिखते हैं आज का, विच इज़ टू क्रिएट द डेटाबेस सेल्स. तो व्हाट इज़ आर, देखे अगेन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट इफ़ यू ऑल कैन रीड माई कोड. एक बार बस बोल देना कि मेरा कोड विजिबल है ना. क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट If not exists, एक बार बस बोल देना clear है कि नहीं. So this is our query. This is our query. एक बार बस बता देना कि ये visible है कि नहीं. ठीक है. अब देखो, suppose इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक इन योर कोड. सबसे पहली बात तो ये मैंने कैप्स लॉक में लिखा है सारा. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कैप्स लॉक में आप लिखो, बट जनरली अगेन इट बिकम्स अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, सॉरी, जहाँ पे आप लोग कैप्स लॉक में अपना जो स्टेटमेंट है, जो आपका कमांड है, ये आपके सारे कमांड्स है ना, create database if not exist and then the name of the database. So it is a and if you all can discriminate, ye wala jo hai, ye hamara jo command portion hai, this is in blue and the name is in black. This means that this create database if not exists is the command which you are giving to your SQL and the name of that particular database is sales. So ye differentiate kar sakte hai ki command jo hai hamara is in blue. Theek hai, always. अगेन सपोज मैंने अपना सेमी कोलन हटा दिया, सपना स्टिल यू कैन सी यहाँ पे एक ब्लू डॉट आपको दिख रहा होगा, एक ब्लू डॉट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ठीक है, योर कोड इज़ फाइन, यू कैन रन अ कोड लाइक दिस, बट जनरली अगेन इट इज़ अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि हम सेमी कोलन यूज़ करें. सपोज मैंने कुछ और यूज़ कर दिया, ठीक है, सपोज मैंने कोलन यूज़ कर दिया, नॉट अ सेमी कोलन, कोलन यूज़ कर दिया, तो यहाँ देखना अपने आप एक क्रॉस का सिंबल आ जाएगा. ये क्रॉस का सिंबल अपने आप आ जाएगा व्हेन योर कोड इज़ रॉन्ग, व्हेन यू आर मेकिंग सर्टेन एरर्स इन योर क्वेरी. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एसक्यूएल, यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ आप गलत जा रहे हो विदाउट इवन एग्जीक्यूटिंग इट. तो आप एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने अभी तक कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने खाली लिखा है. दिस इज़ माई कोडिंग स्क्रीन वेर आई राइट माई कोड्स एंड दिस इज़ द आउटपुट स्क्रीन, जहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आएगा कि आपने जो कोड रन किया है वो सही रन किया है कि नहीं, और उस कोड को रन करने में कितना टाइम लगा है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे. पर ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वॉट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस ब्लैक रेड क्रॉस विच यू गेट ओवर हियर. दिस हैपन्स वेन यू आर राइटिंग अ रॉन्ग क्वेरी. ठीक है, सो आई विल गिव अ सेमी कोलन एंड you can see वापस से ये blue dot आ गया. From the red cross we have a blue dot which means that a query is fine, is perfect to run. Now there are certain ways to execute. सबसे पहला way is you can just click on this lightning button which you see, इससे अपने आप ही query execute हो जाएगा, या फिर you can click on control shift and enter. You can click on control shift and enter or on the icon on the top. तो इसको करके देखते हैं, इसको रन करके. दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट क्वेरी विच वी आर राइटिंग. कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया मैंने. जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, या फिर आप इस लाइटिंग बटन को भी क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे देखना क्या आ जाएगा, कोड जो आपने रन किया है, क्वेरी जो आपने रन किया है, कौन से टाइम पे आपने रन किया है वो क्वेरी एंड कितना टाइम लगा उस क्वेरी को रन करने में. क्लियर है ये पूरा? क्लियर है पूरा? अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सच्ची में कुछ क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है. सो हाउ डू वी सी दिस, इस पर क्लिक करो. डू यू सी अ रिफ्रेश बटन? यू हैव टू रिफ्रेश योर एसक्यूएल वर्क बेंच. रिफ्रेश करो. द मोमेंट यू क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन इन द स्कीमाज सेक्शन, इन द स्कीमाज सेक्शन, देखो ये स्कीमाज सेक्शन है, यू गेट अ सेल्स डेटाबेस ओवर हियर. व्हाट इज दिस सिंबल वी हैव टॉक्ड अबाउट? दिस सिंबल, अनुष्का, वील कम टू दैट, हाउ टू ऐड कमेंट्स एंड ऑल, वील कम टू दैट. ठीक है, धीरे धीरे सब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. तो यहाँ देखो ये बट ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल के बारे में मैंने बताया है स्टार्टिंग में. दिस इज अ सिंबल फॉर डेटाबेस, ठीक है, नॉट फॉर एसक्यूएल बट फॉर डेटाबेसेस. ठीक है,
अब यहाँ पे व्हेन यू क्लिक ऑन दिस एरो, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस एरो यू हैव डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस. टेबल कॉम्पोनेंट है, व्यूज कॉम्पोनेंट है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स फंक्शन सब कुछ करेंगे. आज के क्लास में टेबल्स हम लोग पहुँच जाएंगे, टेबल्स हम लोग सीख लेंगे करना, पर आज ये सारा हम लोग विद इन टाइम सब कुछ सीखेंगे. सो दिस इज हाउ, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव टेकन टूवर्ड्स क्रिएटिंग आर डेटाबेस. नाउ अगेन यू कैन सी इन्फॉर्मेशन आई ओवर हेयर. इस आई पे क्लिक करते हैं, इस आई पे क्लिक करते हैं एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन आई, सी व्हाट डू यू गेट ओवर हेयर. यू गेट सेल्स डेटाबेस, एक नया टैब ओपन हो गया, एक नया, दिस वॉज योर क्वेरी वन. आई विल टीच एवरीथिंग हाउ टू सेव दिस क्वेरी. सब कुछ जाएंगे जैसे जैसे मैं करा रही हूँ, बस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, डू नॉट आस्क एनीथिंग न्यू. ठीक है, बिकॉज हम लोग एवरीथिंग इवेंचुअली आई विल कवर स्लोली एंड ग्रेजुअली. तो ये सेल्स में क्या है, देखो यहाँ पे देर इज टेबल काउंट जीरो, जीरो टेबल्स हैं. ठीक है, टेबल्स में जाओ, कोई टेबल अभी तक आपने क्रिएट नहीं करा है, कोई टेबल अभी तक आपने नहीं क्रिएट किया. बाकी सब कुछ, एवरी ऑफ दीज थिंग्स वी विल सी मूविंग ऑन फॉरवर्ड. देखो ग्रांट्स में देखना सब कुछ है, सिलेक्ट येस येस येस, इंसर्ट, अपडेट, ये सारे जो हमने सीखे थे, अगर आपको याद है कि नहीं, हम लोग दो चीज़ सीखे थे, वी कैन ग्रांट द परमिशन और वी कैन रिवोक द परमिशन. तो ये वो है, ये वो सारा चीज़ है कि आप कब ग्रांट कर सकते हो, किसको ग्रांट किया हुआ है ये सारा परमिशन एंड किससे आप रिवोक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ वी विल कम टू दिस. अभी के लिए यू कैन सी देर आर जीरो टेबल्स क्रिएटेड, देर आर नो टेबल्स क्रिएटेड ओवर हियर. ठीक है, मूविंग ऑन, टेबल्स आपने क्रिएट कर दिया, टेबल्स आपने क्रिएट कर दिया. नाउ एज आई सेड कि टेबल्स का दूसरा नाम होता है, सॉरी डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया, डेटाबेस का दूसरा नाम होता है स्कीमा. ठीक है, ये हमने देखा है, हमने क्या देखा था व्हेन वी वर डूइंग द थ्योरी पोर्शंस, कि ग्रुप ऑफ टेबल्स इज ऑल्सो नोन एज स्कीमा, रिलेशनल स्कीमा. अगर आपको याद है तो डेटाबेस भी बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं, रिलेशनल स्कीमा भी बोलते हैं. ठीक है, तो कैन वी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड डेटाबेस, कैन वी यूज द वर्ड स्कीमा? येस वी कैन यूज द वर्ड स्कीमा ऑल्सो, येस वी कैन यूज द वर्ड स्कीमा ऑल्सो. तो एक बार करके देखते हैं, लेट अस जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द एंटायर कोड इटसेल्फ, वापस से नहीं लिखेंगे. एंड इंस्टेड ऑफ डेटा बेस ओवर हेयर आई विल राइट स्कीमा. एंड मैंने क्या लिखा है, इफ़ नॉट एग्जिस्ट सेल्स, सेल्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस. आई एम राइटिंग स्कीमा इंस्टेड ऑफ डेटा बेस एंड यहाँ पे आई एम गेटिंग अ ब्लू डॉट विच मीन्स माई कोड इज करेक्ट, माई क्वेरी इज करेक्ट, कोई एरर नहीं है. इसको रन करके देखते हैं. द मोमेंट यू रन दिस, देख लो मैंने लाइटिंग बटन पे क्लिक किया, द मोमेंट यू रन दिस क्या आया, देखो क्या आया, देखो क्रिएट स्कीमा इफ नॉट एग्जिस्ट एंड इसके बाद क्या आ गया, कांट क्रिएट द डेटाबेस सेल्स, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू कैन नॉट क्रिएट दिस अगेन. क्लियर हुआ? तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, लाइटनिंग बटन पे क्लिक करना है. द मोमेंट यू डू दैट देखो क्या आ गया यहाँ पे, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बट बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग दिस वर्ड इफ नॉट एग्जिस्ट. इफ यू डू नॉट राइट दिस कमांड, क्रिएट हो जाता, देर विल बी टू सेल्स डेटाबेस विच हैज़ बीन क्रिएटेड नाउ. तो इससे क्या होता ना, इससे एरर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक. ठीक है, क्लियर है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, थोड़ा इंटरफेस हमने देखा, दैट दिस आइकन इज नोन एज द डेटाबेस. देर आर फोर कॉम्पोनेंट्स क्या क्या थे, टेबल्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, फंक्शंस. आज के क्लास में टेबल सीखेंगे, बाकी सारा ग्रेजुअली वी लर्न. ठीक है, नाउ वी ऑल्सो सी यूज सेल्स, ये हम लोग देखेंगे, ये हम लोग आते हैं इसमें. सबसे पहले तो अपने हमने डेटाबेस क्रिएट किया. अब क्या होता है, SQL, ट्रस्ट मी, बहुत 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 सिंपल है व्हेन वी राइट क्वेरीज, बिकॉज क्वेरीज आर इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है. कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, बट देन इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सीखो कि सपोज देर आर 3-4 डेटाबेस विच आई हैव क्रिएटेड, सेल्स हो गया, मे बी आई हैव क्रिएटेड परचेजेस का एक डेटाबेस, कस्टमर्स का डेटाबेस,
let's say suppose I have created employees ka database, so I have different databases. Now you have to insert a row. You have to insert a row in a particular database ka table. Suppose in my employees database, in my employees database, I want to create a new table. ठीक है, तो ये सारे अलग अलग databases हैं. अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स वी हैव. इन वन डेटाबेस यू कैन हैव मेनी नंबर ऑफ टेबल्स. तो इन माय एम्प्लॉइज डेटाबेस आई वांट टू क्रिएट अ टेबल. सपोज मुझे टेबल क्रिएट करना है पेरोल ऑफ द एम्प्लॉइज. तो इसका मेरे को पेरोल का एक टेबल क्रिएट करना है. नाउ हाउ विल माय एसक्यूएल अंडरस्टैंड दैट आपको इतने सारे आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज डेटाबेसेस you want to insert, you want to create a table in the employees database. ठीक है, you want to do something in the sales database. How will SQL understand? तो उसके लिए we pass another query which is called use what? Use sales. इससे क्या हो जाएगा, my SQL is now ready कि इसके बाद आप जो भी comments pass करोगे, जो भी आप इसके बाद क्वेरीज पास करोगे, वो किसके लिए रिलेट होगा, किससे रिलेट होगा, किस में जाएगा, वो जाएगा आपके सेल्स डेटाबेस में, वो जाएगा आपके सेल्स डेटाबेस में. एंड अगेन हाउ डू वी रन अ पर्टिकुलर क्वेरी, या तो आप पूरा सिलेक्ट करके लाइटनिंग वाले पे क्लिक करो, एग्जीक्यूट करो, या फिर यू कैन क्लिक ऑन कंट्रोल शिफ्ट एंटर. कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्लिक किया एंड सी माई क्वेरी हैज़ रन. My query has run. Clear है सबको? Clear है कैसे करते हैं? And if you all can see, यहाँ पे मैंने create किया था sales with a capital S, यहाँ पे create हुआ with a small s, इसका मतलब, and यहाँ पे भी I've used a small s, so my SQL is not case sensitive. Capital का झमेला नहीं है यहाँ पे. क्या यू आर यूजिंग अ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, उसका झमेला इधर नहीं है, बिकॉज इट्स अ केस सेंस, इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव. क्लियर है? लाइक मैनी यू लर्न आर प्रोग्रामिंग एंड ऑल ऑफ दोज आर केस सेंसिटिव. पाइथन इज ऑल्सो केस सेंसिटिव, बट दिस इज नॉट केस सेंसिटिव. ओके, सो मूविंग ऑन यहाँ तक आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. कहीं भी कोई भी दिक्कत आए, सो जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. क्लियर है ये कैसे करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट एंटर पे क्लिक कर सकते हो या फिर इस लाइटनिंग पे क्लिक कर सकते हो. मेक श्योर यू आर सिलेक्टिंग द एंटायर लाइन. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट देखो, अभी थोड़ा हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे. व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग द नेक्स्ट स्टेप, वी हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस, वी हैव सीन हाउ टू यूज अ डेटाबेस. Now the next thing which we are going to do is create a table. To create a table, what do you need to create? You need to create different columns in a table. To create different columns in a table, it is important to understand ki what are the different types of columns you can create. ठीक है, and ये जो हर column होते हैं, how can you differentiate between these different columns? So it is very important that we understand this. Okay, so uske liye it is important that we understand the different data types which are present in my SQL. What are the different data types which are present in my SQL? Okay, so now let us see. It is important when we create a table, we mention different columns. Okay, columns nahi honge, to how can you create a fields? Ya fir columns nahi honge, then how will you create a table? Fine. Also, when you mention a table, when you mention a column, you have to mention कि आप उस column को कौन सा data type दोगे. ये सब कुछ हमने starting में किया था when we were dealing about कि एक column में खाली एक type of information जा सकते हैं. It can be numeric or it can be text or it can be alphanumeric, but you cannot write more than one type of a data in a particular column. तो ये हमने क्या था ना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन एसक्यूएल, वो हम लोग अभी देखेंगे. ठीक है, सो नाउ द वेरी फर्स्ट डेटा टाइप इज ऑब्वियसली योर स्ट्रिंग डेटा टाइप. स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक्चुएटर्स. ठीक है, एनीथिंग विच कंसिस्ट ऑफ योर कैरेक्टर्स.
Now, what are characters A to Z? A to Z characters है. उसके बाद all the symbols which you use, like your hash, your dollar sign, your at the rate sign, and all of those things which we have. So वो सब क्या है? वो सब symbols हैं. So these are, I'm not talking about numbers. I'm not talking about numbers. You can call this as a text. ठीक है? तो ये first data type है, string data type. मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे किसका, एक्चुएटर्स का. नाउ देर आर टू थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, वन इज लेंथ एंड वन इज साइज. नाउ वॉट इज लेंथ? लेंथ इज हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर विद इन द स्ट्रिंग. मैंने यहाँ पे लेटर्स वर्ड नहीं यूज़ किया. अगर इफ़ यू सी, आई हैव नॉट यूज, इफ़ यू सी ओवर हियर, आई हैव नॉट यूज द वर्ड characters, I've not used the word text, I've not used the word letters, I've used the word symbols. क्योंकि मैंने क्या बोला, सारे symbols, जैसे आपके colon, जैसे आपका hashtag, जैसे आपका dollar, तो ये सारा चीज़ भी आ जाता है. So the number of symbols which you can use in a string, this is known as length. ठीक है, this is known as length. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, length में actuators में का क्या लेंथ है? देर आर नाइन सिंबल्स. सो लेंथ ऑफ एक्चुएटर्स इज नाइन. डिजिट्स, सिंबल्स, ब्लैंक स्पेसेस कैन ऑल्सो बी यूज इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, एज आई सेड. ठीक है, दे विल ओनली कन्वे टेक्स्ट इंफॉर्मेशन. सो इफ यू आर राइटिंग, सपोज इफ यू आर राइटिंग एन एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर, आप एड्रेस में नंबर्स भी यूज करते हो, सिंबल्स भी यूज करते हो. सपोज आपने कॉमा यूज किया, आपने लिखा वन कॉमा आशुतोष रोड, तो वन नंबर है, कॉमा सिंबल है. सो स्ट्रिंग में यू कैन राइट एनी थिंग. इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी योर लेटर्स, योर सिंबल्स, योर नंबर्स, बट एवरी थिंग गेट्स कन्वर्टेड इन टू अ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. अब आप दो एड्रेस को ऐड नहीं कर पाओगे, आप दो स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज़ टेकन एज अ टेक्स्ट ऑलरेडी. अगर आपने स्ट्रिंग में, सपोज आई हैव changed one column into a string, ठीक है, I've changed one column into a string, बस उस कॉलम में सारे नंबर्स ही हैं, उस कॉलम्स में सारे नंबर्स ही हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर्स ही हैं, बट स्टिल यू कैनॉट ऐड देम, बिकॉज इट इज़ अगेन टेकन एज अ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. क्योंकि वो मैंने किस में कन्वर्ट करा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा है. किस में कन्वर्ट करा है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा है. एंड इट इज़ रेड एज अ टेक्स्ट ओनली, not as a number. So you cannot add, subtract, perform any mathematical calculations on a string. ठीक है, because it is taken as a text. Now what is size? दो चीज़ जो बहुत important है, length हमने किया, the number of symbols which are there within your string. Size, it indicates that the how much memory space is used by a particular data type. ठीक है, तो हम लोग अभी इसका डिस्टिंग्विश करेंगे इसको अगले स्लाइड में. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? लेंथ इज़ द नंबर ऑफ सिंबल्स इन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग. ठीक है, दैट इज़ योर लेंथ. एंड व्हाट इज़ योर साइज? साइज इज़ द मेमोरी स्पेस विच हैज़ बीन यूटिलाइज्ड बाय अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग. मेमोरी स्पेस इन योर डेटा बेस, इन योर टेबल. क्लियर है? जनरली हम लोग बाइट्स में मेजर करते हैं, एंड वन बाइट इज़ योर वन सिम्बल. यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक्चुएटर्स का लेंथ इज नाइन, बिकॉज देर आर नाइन सिम्बल्स. एंड हम क्या बोल रहे हैं? वन बाइट इज़ फॉर वन सिम्बल एंड वी मेजर इट इन बाइट्स. तो कितने बाइट्स हो गए? नाइन बाइट्स हो गए. क्लियर है ये चीज़? नाइन बाइट्स हो गए. कैसे नाइन बाइट्स हो गए? क्योंकि देर आर नाइन लेटर्स, देर आर नाइन सिम्बल्स, तो लेंथ नाइन है. देर आर नाइन सिम्बल्स, हर एक सिम्बल एक बाइट का होता है, सो देर इज नाइन बाइट. इसका साइज इज नाइन बाइट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड साइज? ये तो दोनों सेम हो गया, देर इज अ डिफरेंस. नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. इसमें क्या है देखो, नाउ इन अ स्ट्रिंग, नाउ स्टोरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी डील विथ वेरी लार्ज डेटाबेसेस. ठीक है, वेरी लार्ज टेबल्स. तो इसमें क्या होता है, द फिजिकल स्पेस इन द कंप्यूटर्स ड्राइव वेयर डेटा इज़ बींग सेव्ड और स्टोर्ड. ये हम लोग का एक नॉर्मल स्टोरेज है, जहाँ पे आपका ड्राइव में सारा इन्फॉर्मेशन, सी ड्राइव, बी ड्राइव, जो हम लोग हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं. दीज आर स्टोरेज स्पेसिस, दीज आर ऑफ लिमिटेड साइज. तो हम लोग को अकॉर्डिंगली अपने टेक्स्ट, अपने डेटा टाइप को फॉर्मेट करना होता है, सो दैट इट कैन स्टोर मोर एंड मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है,
तो एक्चुएटर्स यहाँ पे जो मैंने लिखा है इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है, अ वेरिएबल ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप. सो अल्फा न्यूमेरिक क्या हुआ, जैसे एड्रेस 1 आशुतोष रोड, तो ये क्या हो गया, ये एक अल्फा न्यूमेरिक हो गया. दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ स्ट्रिंग जिसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, इन द टेक्स्ट फॉर्मेट. ये मैंने क्लियर किया, ठीक है. नाउ स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर देर आर डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है. स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर भी देर आर डिफरेंट डेटा टाइप्स, एंड व्हाट आर दीज डेटा टाइप्स. सबसे पहला इज कैरेक्टर. कैरेक्टर का स्टोरेज इज फिक्स्ड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरेज इज फिक्स्ड, हम लोग इसको लिखते कैसे, यहाँ देखो कैरेक्टर, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, कैरेक्टर 9. इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, कैरेक्टर 9. नाउ इफ यू ऑल कैन सी दिस, कि यहाँ पे दो एग्जांपल लिए मैंने, एक्चुएटर्स एंड लर्न. एक्चुएटर्स का लेंथ क्या होगा, 9. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल्स, कितने सिंबल्स हैं, 9. एक और वर्ड यूज किया मैंने लर्न, लर्न के कितने सिंबल्स हैं, 5. व्हाट विल बी द लेंथ, 5. कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल्स ओनली टेक्स्ट, ओनली अल्फाबेटिक, एवरीथिंग कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस. क्लियर. पहला इज कैरेक्टर, इसको लिखते कैसे, 4 9. 4 9, 9 का क्या मतलब है, अभी मैं समझा रही हूँ. सबसे पहले देखो, ये क्लियर हुआ लेंथ. साइज क्या होगा, एक्चुएटर्स का साइज तो 9 है, समझ में आ रहा है, बिकॉज देर आर 9 सिंबल्स, बट लर्न का साइज भी 9 है. इसका क्या मतलब है कि हमने 4 9 जब हमने लिखा कि आर कॉलम विल बी ऑफ अ डेटा टाइप 4 9 कैरेक्टर 9, इसका मतलब है कि मैंने उस पूरे कॉलम में हम लोग जो भी डेटा डाले उसका मैंने मैक्सिमम लिमिट क्या सेट कर दिया है, स्टोरेज का 9. 9 से ज़्यादा का कोई स्टोरेज का वर्ड नहीं डाल सकते हो, 9 से ज़्यादा का आप कुछ नहीं डाल सकते हो. क्लियर है. सपोज एक वर्ड ले लो एडुकेशन, कितने लेटर्स, आई थिंक 9 से ज़्यादा हैं, यू कैन नॉट पुट दैट इन दिस पर्टिकुलर कॉलम क्योंकि उसका साइज 9 से ज़्यादा हो जाएगा. बट इफ़ यू हैव एनी अदर सिंबल और एनी अदर स्ट्रिंग विच इज़ ऑफ लेस देन 9, साइज उसका 9 से कम है, यानी कि कम लेटर्स है, सपोज़ यहाँ पे लर्न जो वर्ड है उसमें 5 लेटर्स ही हैं खाली, तो उसका साइज़ 5 है, बट उसका साइज़ कैसे स्टोर होगा, 9, बिकॉज ये फिक्स हो गया. सो इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स यू कैन यूज़ वाइल राइटिंग द वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर कॉलम. क्लियर हुआ 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है, क्लियर हुआ. लेंथ एंड सिंबल, लेंथ एंड साइज, लेंथ इज द नंबर ऑफ सिंबल्स, तो ये आपका चेंज होगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ सिंबल्स चेंज हो रहे हैं, बट द साइज रिमेन्स द सेम, बट द साइज रिमेन्स द सेम. क्लियर है, विच इज 9 and 9, बिकॉज हमने मैक्सिमम लिमिट क्या डाल दिया है, 9 का. आप चाहे कोई भी वर्ड डालो, उसका लेंथ कितना, उसका साइज कितना लेंगे, 9 ही लेंगे. उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना होगा, 9. अगर आप कोई बड़ा वर्ड डालने जाओ तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, छोटा वर्ड डालोगे तो भी इट विल बी कंसिडर्ड विद अ साइज ऑफ 9. क्लियर है. द अदर थिंग विच यू सी इज, एक हमने किया कैरेक्टर डेटा टाइप जहाँ पे वी सॉ दैट द मैक्सिमम साइज इज 9, ठीक है, एक मैक्सिमम साइज लिमिट हो गया. नेक्स्ट इज योर वेरिएबल कैरेक्टर विच इज योर var4, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, var4 9. अब यहाँ क्या होगा, देखो वेरिएबल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इसका स्टोरेज विल बी वेरिएबल. सपोज हमने लिखा एक्चुएटर्स, इसका लेंथ इज अगेन 9, हमने लिखा लर्न, इसका लेंथ इज अगेन 5, ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ हमें पता है, विच इज नथिंग बट द नंबर ऑफ सिंबल्स इन योर वर्ड. नाउ इन योर स्ट्रिंग, नाउ साइज देखो क्या और है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, ये 5 कैसे हो गया, ये 5 कैसे हो गया,
ये फाइव इसीलिए हुआ क्योंकि वी हैव टेकन अ वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप, यानी कि जो स्ट्रिंग होगा, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, दैट कैन नाउ स्टोर वेरिएबल स्टोरेज, दैट कैन नाउ हैव वेरिएबल स्टोरेज. बट दैट डज नॉट मीन, दैट डज नॉट मीन कि यू कैन राइट अ स्ट्रिंग विच हैज़ अ साइज ऑफ मोर देन 9, बिकॉज आपने 9 यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिफाई कर दिया. दिस रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिम्बल्स यू कैन यूज. यू कैन नॉट एक्सीड समथिंग, सम वर्ड विच इज़ ग्रेटर दैन 9, some string which has number of symbols greater than 9. But yes, the different words which you write, uska size accordingly liya jayega. So what is better, varchar ya character? What is better, varchar ya character? Obviously varchar better hai. Kyun better bolenge? This is a very good question which everyone asks. Why varchar is better? ऑब्वियसली यहाँ पे तो आपका सारा साइज 9 ही होगा, नो मैटर वॉट इज द साइज ऑफ योर, वॉट इज द एक्चुअल साइज ऑफ योर स्ट्रिंग. अगर छोटा स्ट्रिंग है तो भी उसका साइज 9 होगा, अगर उतना है 9 लेटर्स का ही है तो भी 9 होगा. इन केस ऑफ वारचार व्हाट हैपेंस, इन केस ऑफ वारचार अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग आपका साइज चेंज होता है. बट स्टिल देर इज अ यूज ऑफ कैरेक्टर, बट स्टिल पीपल यूज कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप. क्यों खाली फिर वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं यूज करते, वेरिएबल भी यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? वारचार में क्या होता है सुमेधा, देखो लेंथ आपको क्लियर है. लेंथ इज वॉट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर, द नंबर ऑफ सिम्बल्स इन योर स्ट्रिंग. तो यहाँ पे 9 कैरेक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. एंड यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है, यहाँ पे 9 है. तो ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, क्लियर है. बट साइज इसका कैसे लिया जाएगा, साइज कैसे मेजर होते हैं? हमने क्या बोला, 1 byte इज 1 symbol इज 1 byte, ये हमने बोला. 1 symbol इज 1 byte, ये हमने बोला. बट इन केस ऑफ कैरेक्टर क्या था, इन केस ऑफ कैरेक्टर क्या था कि स्टोरेज फिक्स्ड था. वेन यू राइट कैरेक्टर 9, वेन यू राइट 4 9, इसका मतलब है कि उस कॉलम में मैक्सिमम ऑफ 9 कैरेक्टर्स या फिर मैक्सिमम ऑफ 9 सिम्बल्स का आप एक स्ट्रिंग डाल सकते हो, 9 से ज़्यादा का स्ट्रिंग आप नहीं डाल सकते. ये चीज़ क्लियर है. सेकेंडली, आप चाहे कोई भी साइज का, 9 से छोटा ही ऑब्वियसली, कोई भी साइज का आप उसमें स्ट्रिंग डालो, उसका साइज हम 9 ही मानेंगे, उसका साइज को हम फिक्स्ड ही मानेंगे, विच इज 9. So that is your size, which remains same, which remains fixed in case of your character. In case of varchar, what happens? Ki 9 jo humne yahan pe specify kara hai, 9 jo humne yahan pe specify kara hai, this is your maximum number of symbols which you can use in that column. But agar aap 9 se chhota koi bhi ek word daloge, तो उसका साइज हम छोटा ही मानेंगे, 9 नहीं मानेंगे, विच मीन्स दैट द स्टोरेज इज अवेरिएबल. तो यहाँ पे जो लर्न है उसका साइज अब देखो 9 नहीं है, पहले क्या था, 9 था इन केस ऑफ कैरेक्टर, 9 नहीं है, क्या है, 5 है. क्लियर हुआ ये पूरा चीज. सुमेधा क्लियर है? अब देखो तो इसका मतलब तो वारचार ज्यादा बेटर हुआ, बिकॉज यहाँ पे यू कैन जस्ट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विच यू वांट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स विच यू वांट, एंड साइज भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा. तो साइज भी कम कंज्यूम होगा. तो हम लोग ये क्यों नहीं यूज़ करते, ये हम लोग इसीलिए क्यों नहीं यूज़ करते, अभी हम लोग आएंगे इस रीज़न पे. अब हम लोग इसके पहले एक चीज़ समझते हैं, व्हाट आर द मैक्सिमम साइज विच द कैरेक्टर एंड वारचार कैन यूज़. कैरेक्टर कैन यूज़ 255 bytes मैक्सिमम, यानी कि आप यहाँ पे 4 255 ही लिख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते.
ठीक है, आप 256 नहीं लिख सकते, इट विल नॉट एक्सेप्ट. कैरेक्टर का मैक्सिमम साइज इज 255 एंड वारचार का इज 65535 65,535 बाइट्स. तो बहुत सारे रीडर टाइप्स होते हैं, बहुत सारे. व्हेन यू आर राइटिंग एन एड्रेस एंड यू थिंक कि उसका 255 वर्ड्स से ज़्यादा हो सकता है या 255 सिंबल्स से ज़्यादा हो सकता है, सो यू विल यूज़ वारचार, यू विल नॉट यूज़ कैरेक्टर. बट व्हेन यू नो दैट व्हेन यू आर राइटिंग अ नेम ऑफ अ पर्सन एंड यू नो दैट द नेम्स ऑफ द पीपल, नेम ऑफ योर एम्प्लॉयज विल नॉट एक्सीड 255 कैरेक्टर्स या 255 बाइट या फिर 255 सिंबल्स, तो यू विल यूज़ अ कैरेक्टर डेटा टाइप बिकॉज इट इज़ फास्टर. Why? Because it consumes less storage. 255 से ज़्यादा वो नहीं store कर पाएगा. So it is 50% faster than your varchar. So it's a good practicing, it's a good programming practice कि हम लोग ये सारा चीज़ consider करें. Not only your just simply writing your query and getting done with that. Also ये देखना चाहिए कि size, storage कितना कम से कम utilize हो, ठीक है, कितना जल्दी आपका क्वेरी प्रोसेस हो, कितना फास्ट हो आपका क्वेरी की जल्दी जल्दी रन हो जाए. सो दीज डिफरेंट थिंग्स वी नीड टू कंसिडर, नॉट ओनली दैट योर क्वेरी इज करेक्ट बट ऑल्सो द साइज, द स्टोरेज एंड हाउ फास्ट यू कैन राइट योर रन योर क्वेरी. क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है, ठीक है. सो द मैक्सिमम वार चार कैन एक्सेप्ट इज दिस एंड द मैक्सिमम चार कैन एक्सेप्ट इज दिस. नाउ वील टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल. यहाँ पे सपोज कंपनी में आपको दिख रहा है, ये आपके तीन कॉलम्स हैं, कंपनी आई डी, फोन नंबर एंड योर कंपनी. सो यू नो दैट कंपनी में नाउ वाई आई एम नॉट यूजिंग वारचार एंड आई एम यूजिंग अ चार ओवर हेयर. वाई इज दिस? आप यहाँ पे वारचार भी तो यूज़ कर सकते हो, बट नॉट बिकॉज वी नो कि कंपनी जो हम लोग कंपनी का नेम देंगे दैट विल ओनली कंसिस्ट ऑफ थ्री सिम्बल्स या फिर थ्री लेटर्स, COA, COB, COC. तो हम लोग को पता है कि ये तीन लेटर्स का होगा, तीन लेटर्स से ज़्यादा का नहीं होगा, ना ही कम का होगा. तो इट इज़ बेटर यू यूज़ कैरेक्टर डेटा टाइप क्योंकि द मैक्सिमम इज थ्री, इट कैनॉट बी मोर देन दैट. दैट इज़ वन पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, उससे कम भी नहीं हो सकता, उससे कम भी नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी लेस दैन, इट कैन नॉट बी टू, इट कैन नॉट बी वन. सो नो पॉइंट व्हेन वी नो दैट इट हैज़ टू बी थ्री ओनली, इट हैज़ टू बी थ्री ओनली. सो वील टेक कैरेक्टर थ्री. कैरेक्टर अगर आप वारचार थ्री लोगे, अगर आप वारचार थ्री लोगे एंड इफ़ यू आर हैविंग अ स्ट्रिंग विद अ टू सिम्बल्स, विद टू सिम्बल्स, तो उसका साइज टू माना जाएगा. बट वेन वी नो दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो वील यूज दैट इज वील जस्ट हैव टू ऑलवेज राइट कंपनी कोड्स विद थ्री लेटर्स ऑलवेज. सो वील यूज कैरेक्टर थ्री बिकॉज वी नो कि नो मैटर वॉट वो थ्री कैरेक्टर्स का ही होगा. एंड ऑल्सो सिमरन ने लिखा है इट विल बी फास्ट, इट विल बी फास्टर स्टोरेज, फास्टर एंड इट इज़ परफेक्ट फॉर आर डेटा टाइप फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम. बट वेन यू आर राइटिंग अ पासवर्ड, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल. सपोज आप वेन यू सी दैट आप कुछ अपना एक आई डी, एक अकाउंट बना रहे हो, अपना एक जी मेल अकाउंट बना रहे हो सपोज. इन दोज केस यू राइट योर पासवर्ड, यू गिव योर पासवर्ड. नाउ दिस पासवर्ड कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी सिम्बल्स, इट कैन बी नंबर्स, इट कैन बी लेटर्स. स्ट्रिंग डेटा टाइप हुआ, ठीक है, ये तो क्लियर है. वारचार करें कि कैरेक्टर करें, इट इज़ वेरिएबल ना, ज़रूरी नहीं कि मेरा पासवर्ड एंड आपका पासवर्ड का लेंथ सेम हो. सो यहाँ पे वी यूज समथिंग एज वारचार बिकॉज वी नाउ स्पेसिफाई कि 15 लेटर्स या 15 कैरेक्टर से ज़्यादा आपका नहीं हो सकता. यहाँ पे मैंने 10 लिया है, 10 कैरेक्टर या 10 सिंबल से ज़्यादा पासवर्ड आप नहीं डाल सकते हो. तो मैंने लिख दिया वारचार 10. सपोज आई एम राइटिंग शिवांगी 1 2, शिवांगी 1, तो मेरा ऑलरेडी 10 हो गया, शिवांगी 9 लेटर्स एंड 1, तो 10 लेटर्स हो गया मेरा, ठीक है. नाउ सिमरन इज राइटिंग पासवर्ड सिमरन 2, ठीक है, तो सिमरन का कितना हो गया 7 कैरेक्टर्स, तो वो क्या हो गया उसका, उसका में साइज आ जाएगा 7, मेरा में साइज आ जाएगा 10. तो साइज भी कम स्टोर हुआ यहाँ पे, साइज भी कम लगा हम लोग का, स्टोरेज भी कम लगा हम लोग का. कैन द सिम्बल्स बी नंबर्स ऑल्सो?
इन कैरेक्टर। सिमरन मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आया तुम्हारा। सिंबल्स कैन बी यूज इन कैरेक्टर, स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना, कैरेक्टर और वारचार दोनों स्ट्रिंग डेटा टाइप है। आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी सिंबल डाल सकते हो, कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, अल्फाबेट यूज कर सकते हो। एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इन टू अ टेक्स्ट, एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इन टू अ टेक्स्ट। सिंबल सिमरन क्लियर है? मेरे को समझ में नहीं आया माय क्वेश्चन एक्चुअली। सिंबल्स कैन द सिंबल्स बी नंबर्स आल्सो इन चार? यू कैन यूज सिम, ठीक है हाँ। सो यू कैन यूज सिंबल्स, कैरेक्टर एंड वारचार समझ में आया? डिफरेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बट प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। वारचार में याद रखना योर साइज इज वेरिएबल, यू गिव द मैक्सिमम साइज लिमिट एंड देन इफ यू राइट एनीथिंग स्मॉलर। सपोज मेरा था शिवांगी 1, साइज 10, सिमरन ने लिखा सिमरन 1, तो उसका साइज हो जाएगा 7। यहाँ पे 4 3, क्योंकि मुझे पता है कि 3 से कम तो होगा ही नहीं, तो सभी 3 रहेगा, ठीक है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप विच वी डील विथ इज इनम। इनम यानी कि इन्यूमरेट, बहुत कम यूज होता है, बट अगेन वॉट इज द यूज? सपोज यू वॉन्ट टू इन योर पर्टिकुलर कॉलम, जेंडर का कॉलम है एंड आप उसमें खाली 2 वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहे हो, एम या फिर एफ, मेल या फिर फीमेल, और कुछ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सो यू विल राइट इनम एम एंड एफ। अगर दूसरा इनपुट आके, किसी दूसरे ने आके कुछ और इनपुट डाला, सपोज जी डाल दिया, तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड यू विल गेट अ एरर। So MySQL will show a error if you try to insert any other value other than M and F in num. 2 values, 2 से ज़्यादा values भी आप कर सकते हो। मतलब in this within the bracket you specify the different values which you want. If someone comes and inserts any other value other than these, तो you will get an error. You will get an error. So this is the third string data type: character, varchar, and enum. Next, we are coming to the integers data type. Now, what is integers data type? Very important to understand. Text, हमने देखा अभी तक क्या था? String data type is taken as text. String data type is taken as text. Now, there is something called integers or numbers. There is something called integers or numbers. Numbers, जो ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, numeric data type. Numeric data type. What are the different numeric data type? Integer, फिक्स्ड पॉइंट, फ्लोटिंग, ठीक है। याद रखना, पहले पढ़ा हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा हमने? कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर, वारचार, इनम, ये हो गया। वी आर कमिंग टू न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटीजर, फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट। सबसे पहले पढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर यानी कि क्या होते हैं? होल नंबर्स विथ नो डेसिमल पॉइंट, ठीक है। होल नंबर्स आप बोल भी सकते हो, माइनस साइन भी आते हैं, होल नंबर्स में माइनस नहीं आता, बट इंटीजर्स में आपके माइनस भी आते हैं, -500, -200, -600, 300, 400, 1000, 10,000, एनीथिंग, गिवन दैट देर आर नो डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। नाउ देर आर दीज डिफरेंट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स विच यू सी ओवर हियर। वॉट आर दीज न्यूमेरिक डिफरेंट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स? पहला इज टाइनी इंट। मैं क्विकली ये स्लाइड गो थ्रू करूँगी बिकॉज ये सारा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। जनरली द डेटा इज गिवन टू अस, वी हैव, व्हेन वी आर राइटिंग अ कोड, ऐसे मत सोचो व्हेन यू आर राइटिंग अ क्वेरी यू हैव नो इन्फॉर्मेशन विथ योर सेल्फ। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास रहते हैं, आपको सोचना होता है कि आप कैसे अप्लाई करोगे। दैट इज द टाइम व्हेन योर एनालिटिक्स कम्स इन। When you are writing, when you are writing your query and you have a database, that time you have to analyze कि एक particular column को आप कौन सा data type दोगे, ठीक है, ताकि आपका size कम लगे and time save हो, faster query run हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे these are the different numeric data types. First is your tiny int, size इसका 1 है, ठीक है, no matter what इसका store होगा 1 byte, ठीक है। मिनिमम से मैक्सिमम
वैल्यू विच इट कैन टेक. तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये क्या है, माइनस 128 से 127, जीरो से लेके 255, व्हाट इज दिस? बेसिकली देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन साइंड एंड अनसाइंड. इसका क्या मतलब है, ये देखो, टाइनी इंट जो आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप है, इसका मैंने बोला कि साइज कितना स्टोर होगा, 1 byte, ठीक है, ये मैंने बोल दिया. नाउ इट कैन टेक वैल्यूज बिटवीन 128 माइनस 128 टू 127, यानी कि माइनस 128, माइनस 127, माइनस 126, इंटीजर्स है, सारे इंटीजर्स है, भूलना मत, सारे इंटीजर्स है. सो इट कैन टेक डेटा फ्रॉम 126, 127 तक, उससे ज़्यादा नहीं. और इट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 255 तक. इन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट. तो यहाँ पे आपका कितना नंबर्स आ रहे हैं, 0 से लेके 255, 256 नंबर्स आ रहे हैं. माइनस 128 से 127 करो, 256 नंबर्स आएंगे, ठीक है. तो यहाँ देखो, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन साइंड एंड अनसाइंड. यहाँ पे मैंने साइंड अनसाइंड लिखा है, एंड यहाँ पे मैंने दो तरीके से दिया है, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, इंट, बिग इंट. ये सबका साइज है 1, 2, 3, 4 and 8, एंड दीज आर द कैपेसिटी. बिग इंट में यू कैन स्टोर नंबर फ्रॉम माइनस, ये इतना बड़ा नंबर से लेके यहाँ तक आप स्टोर कर सकते हो. दिस विल नॉट बी माइनस, दिस विल बी प्लस, ठीक है, दिस विल बी प्लस. ये मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया है, दिस विल नॉट बी माइनस, दिस विल बी प्लस, अगेन दिस विल बी प्लस. सो आई विल चेंज दिस, आई विल चेंज दिस, दिस विल बी प्लस, ठीक है, दिस विल बी प्लस. तो ये आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, ये आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, जीरो से लेके इतना बड़ा नंबर आप देख रहे हो. बिग इंट वेरी रेयरली यूज, हम लोग टाइनी इंट, स्मॉल इंट, ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम इंट, दैट इज़ इनफ फॉर आर स्टोरेज. बट नाउ वाई हैव आई रिटन माइनस प्लस एंड जीरो से लेके ऐसे, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन साइंड एंड अनसाइंड. साइंड का मतलब होता है इट रेंज दैट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज. अनसाइंड मतलब इट इंक्लूड्स इंटीजर्स ऑफ ओनली पॉजिटिव वैल्यूज. यानी कि जो ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है माइनस 128 से 127, माइनस 32,768 से लेके 32,767, दीज आर साइंड वैल्यूज, एंड दीज आर अनसाइंड वैल्यूज जो पॉजिटिव है. सो दीज आर योर, विच यू सी आर योर साइंड वैल्यूज, क्लियर है? ये जो यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बनाए, ये 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 माइनस वाला, दीज आर योर साइंड वैल्यूज. बाय डिफॉल्ट SQL में जब आप लिखते हो टाइनी इंट या फिर स्मॉल इंट, मीडियम इंट, int या big int, ये सारा था. By default when you write a particular column a tiny int, तो वो signed consider होगा, यानी कि it will take negative to positive values both, यानी कि it will take values from 128 minus 128 से 127, या फिर minus 32,768 से 32,767. clear है, ठीक है. so by default it is taken as signed, not unsigned. If you want to specify it as signed, you have to mention it separately. But by default, if you just write tiny int or small int, it will be taken as signed. ठीक है? If you want to use range which is only positive, if you are expecting that you will only have positive numbers in a particular column, you will take it as unsigned. You will take it as unsigned. ठीक है? Generally, why we do not use big int? तो नाउ यू ऑल कैन आस्क मी, इट इज़ बेस्ट दैट वी राइट बिग इंट? तो कोई भी नंबर आए, हम लोग को पता नहीं है, इट कैन बी एनी थिंग. सो लेट अस टेक बिग इंट, एंड देन वी आर फ्री फ्रॉम, यू नो, इफ अ पर्सन राइट्स अ बिग नंबर, देन वी आर फ्री फ्रॉम दैट. वाई डोंट वी यूज़ बिग इंट? वाई वी हैव टाइनी इंट, स्मॉल इंट? अगेन स्टोरेज फैक्टर कम्स इन, स्टोरेज फैक्टर कम्स इन. If a column, if you know that the values will only be between 0 and 100, so tiny int will work, and it will contain less storage also per data point. Agar aap big int likh rahe ho, then every word will be of, every number, every input, every value will be of 8 bytes,
which is not mandatory, which is not useful, because हमें पता है that the values will be between 0 and 100. We know this. So let us use tiny int only, ताकि उसका size will be 1 byte. Why to use big int जिसका size will be 8? ठीक है. Also again time save होगा, storage save होगा. ठीक है. Smaller data types होंगे, smaller integer types होंगे, तो उसका processing time भी कम लगेगा. इसीलिए we do not use always big int. Otherwise तो always we can use big int. Then there is no problem of whatever number you, whatever value you write, be it small, be it large. ठीक है. Moving on, now जैसे हमने देखा था, two things were there, length and size. यहाँ पे we are going to see in case of integer data types, numeric data types, there is something called precision and scale. ठीक है. Now there is a number 56.3547. दो चीज़ होते हैं, इसको ध्यान से समझना, precision and scale. Precision क्या होता है? Precision is the number of digits in a number. Number of digits in a number. यहाँ पे कितने digits हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 digits है, तो precision कितना हो गया? 6. Precision कितना हो गया? 6. Scale is the number of digits to the right of the decimal point. तो to the right of the decimal point कितने numbers हैं? 1, 2, 3, 4. Scale क्या हो गया? 4. So precision is what? Precision is the number of digits in a number. Scale is what? Number of digits after the decimal point. After the decimal point. Fixed point data type represents exact values. हमने दो चीज देखा था. मैं वापस आती हूँ इधर. हमने दो चीज देखा था. Integer हमने देख लिया है. Integer के different types हमने देख लिए हैं. Tiny int, small int, medium int, int and big int. दो चीज और जो हमें देखनी है, which is fixed point and floating point. So fixed point and floating point का क्या difference है? यहाँ देखो, fixed point में क्या होता है? It gives you exact value. It represents exact value. So क्या मतलब है? If you write decimal, तो integer data type हमने देख लिया है. Now we are coming to other numeric data type, which is decimal, or which is basically fixed. हम दो part में बांटते हैं. एक हमारा हो गया integer, वो अलग हो गया. Tiny int, small int, वो हमने देखा. दूसरा हम क्या देखेंगे अब? दो चीज़ और, fixed and floating. Now we will consider the fixed data point. ठीक है? Fixed point data. उसके अंदर the very first thing which you learn is your decimal. 6.4. Decimal 6.4 का क्या मतलब है? Suppose you write 56.3545. तो ये आपका जो है, ये एक normal 6.4, यानी कि there are 6 मतलब precision and 4 मतलब scale. तो सबसे पहले you write the precision and then you write the scale. Decimal 10.2. 10 मतलब कि precision, total 10 digits use होगा. 2 मतलब कि decimal के बाद 2 digits you can use. So this is your decimal. Suppose I write a number 56.3. एक कॉलम में, which is decimal 6.4, and I write 56.3. यहाँ पे क्या हो रहा है? Precision कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए. Scale कितना है? 1. कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए. 4 होना चाहिए. So it will be taken as, it will be taken as 56.000. Clear है? Basically, it will be taken as like this. It will be taken as like this. एक यहाँ पे 3 और आ जाएगा. Clear है? एक और 3. 1, 2, 3, 4. मैं समझा रही हूँ फिर से इस चीज़ को. एक्चुअली ये गलत लिख दिया था इधर स्लाइड में, एक टाइपो था. 56.3 मैंने लिखा है, बट एज आई से दैट इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट वैल्यूज़. इसका क्या मतलब है कि अगर आप लिख रहे हो डेसिमल 6.4, अगर आप लिख रहे हो तो इट शुड हैव
it should have सिमरन ये होगा, मैं समझा रही हूँ, मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ. इट शुड हैव सिक्स डिजिट्स इन टोटल, डेसिमल के पहले बाद मिला के. प्रिसीशन, ये प्रिसीशन है, ये प्रिसीशन है, ठीक है. सो इट शुड हैव सिक्स इन टोटल एंड आफ्टर डेसिमल इट शुड हैव फोर डिजिट्स. इट शुड हैव फोर डिजिट्स. सो 56.3 विल गेट चेंज टू 56.3000, ठीक है, फिक्स्ड है ना, आप इससे कम नहीं लिख सकते हो, ठीक है. इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग वेरी बिग 56.35448, बट ये तो आपका फिक्स्ड है, प्रिसीजन इज सिक्स, सिक्स से ज़्यादा डिजिट्स होंगे नहीं एंड डेसिमल के बाद फोर से ज़्यादा डिजिट्स होंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा 56.3545, बट यू विल गेट अ एरर ऑल्सो. ये राउंड तो होगा, राउंड तो होगा, बट यू विल गेट अ एरर साइन ऑल्सो दैट देर इज अ एरर, देर वॉज अ नंबर विच वॉज बिगर दैन योर डेसिमल 6.4, बिकॉज इट गिव्स यू एग्जैक्ट वैल्यू. यानी कि यहाँ पे देखो, ये आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, आपको ये एग्जैक्ट आंसर देगा. इज दिस योर एग्जैक्ट आंसर? नो, दिस इज नॉट योर एग्जैक्ट आंसर, हेंस यू आर गेटिंग अ एरर, हेंस यू आर गेटिंग अ एरर. क्लियर हुआ व्हाट इज डेसिमल 6.4? अभी एक स्लाइड बाद और क्लियर हो जाएगा व्हेन वी डू द अदर डेटा टाइप ऑल्सो. सो फिक्स्ड पॉइंट में क्या होता है, फिक्स्ड डेटा टाइप में क्या होता है, फिक्स्ड डेटा पॉइंट में क्या होता है कि आप सपोज जो प्रिसिशन और स्केल दे रहे हो वो चेंज नहीं हो सकता, वो उतना ही रहेगा. इफ़ यू राइट अ नंबर विच इज़ बिग, वो छोटा होकर राउंड ऑफ हो जाएगा, बट स्टिल यू विल गेट अ एरर साइन, यू विल गेट अ एरर साइन. यहाँ देखो, ये मैंने बोला फिक्स डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट वैल्यूज, व्हेन ओनली वन डिजिट इज स्पेसिफाइड विद इन द पैरेंथेसिस इट विल बी ट्रीटेड एज द प्रिसीजन. यानी कि अगर आप डेसिमल 7 पैरेंथेसिस, हम लोग ब्रैकेट्स को बोलते हैं इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो पैरेंथेसिस इज नथिंग बट द ब्रैकेट्स, डेसिमल 7 लिख रहे हो, 7 इज द प्रिसीजन, यानी कि देर विल बी टोटल ऑफ 7 डिजिट्स एंड डेसिमल कितना, आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितना डिजिट्स होगा, 0, ठीक है, आफ्टर डेसिमल. ये बाय डिफॉल्ट है, अगर आप डेसिमल 7 ले रहे हो तो बाय डिफॉल्ट 7 विल बी कंसिडर्ड एज प्रिसीजन एंड स्केल विल बी कंसिडर्ड एज 0. स्केल इज व्हाट, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. क्लियर है, क्लियर है. फिक्स एंड फ्लोटिंग डेटा पॉइंट्स का डिफरेंस अब देखते हैं, ठीक है. न्यूमेरिक में हमने देखा कितने, पहला हमने देखा इंटीजर, इंटीजर में हमने क्या क्या देखा, इंट, बिग इंट, स्मॉल इंट, टाइनी इंट, वो सारा हमने देखा, मीडियम इंट. फिक्स्ड में हमने देखा डेसिमल. नाउ फिक्स्ड में एक और डेटा टाइप होता है कॉल्ड न्यूमेरिक. कन्फ्यूज मत होना बिटवीन दिस न्यूमेरिक एंड दिस न्यूमेरिक, दिस इज द न्यूमेरिक डेटा टाइप. जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, उसके अंदर कैरेक्टर है, वेरिएबल वारचार, वेरिएबल कैरेक्टर एंड इनम, तीन है. ऑल दीज आर टेकन एज टेक्स्ट स्ट्रिंग. यहाँ पे वी आर डीलिंग विथ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, उसके अंदर तीन पार्ट्स हैं, पहला इज इंटीजर, दूसरा इज फिक्स्ड, तीसरा इज फ्लोटिंग. फिक्स्ड के अंदर क्या है, डेसिमल एंड न्यूमेरिक. डेसिमल हमने देख लिया, न्यूमेरिक अब हम देखेंगे. तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दिस न्यूमेरिक एंड दिस न्यूमेरिक. दिस इज अ जनरल ब्रॉड कैटेगरी ऑफ अ डेटा टाइप. टेक्स्ट हमने पढ़ा था, अब हम न्यूमेरिक पढ़े. उसके अंदर एक डेटा टाइप है पर्टिकुलर विच इज नेम्ड एज न्यूमेरिक, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना. डेसिमल हैज़ अ सिनोनिमस डेटा टाइप कॉल्ड न्यूमेरिक. न्यूमेरिक और डेटा, इसमें क्या डिफरेंस है, नो डिफरेंस एज सच. यहाँ पे देखो, न्यूमेरिक प्रिसीशन 7 ले रहे हैं, स्केल 2 ले रहे हैं, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, नॉर्मल 56,000.50. कितना हुआ टोटल, प्रिसीशन कितना हुआ 7, स्केल कितना हुआ 2. जनरली न्यूमेरिक यूज करते हैं फॉर करेंसी डेटा टाइप, फॉर करेंसी वी यूज न्यूमेरिक. एकदम सेम है सिनोनिमस एज ऑफ डेसिमल. क्लियर है, सबको क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट स्लाइड में जाएं. एक बार बोल दो क्लियर है, क्लियर है अभी तक का, सो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे.
सो नाउ वी कम टू फिक्स्ड में हमने क्या देखा, आप कुछ भी डालो, आप कुछ भी डालो उसका प्रिसिशन एग्जैक्ट 7 है तो 7 हो जाएगा, स्केल अगर 4 है तो 4 हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा बड़ा नंबर डाल रहे हो तो एरर आ जाएगा, ठीक है, ये है। अब इसके बाद वी यूज़ फ्लोटिंग डेटा टाइप। इसमें क्या होता है, यूज फॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, जहाँ पे यू नो दैट यू विल अप्रोक्सीमेट योर वैल्यूज, एम्स टू बैलेंस बिटवीन द रेंज एंड द प्रिसीशन, इट इज़ फ्लोटिंग। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। इफ आई राइट फ्लोटिंग 6.4, प्रिसीशन 6 है, 4 इज द स्केल, मतलब कि टोटल डिजिट्स 6 होंगे, आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर विल बी 4 डिजिट्स, ये चीज़ क्लियर है। सो इफ आई राइट अ नंबर 56.3545, ठीक है, एंड इफ आई राइट अ बिगर नंबर 56.3544868 9, दिस विल बी राउंडेड ऑफ 256.3545 बिकॉज आई हैव स्पेसिफाइड दैट देर विल बी 6 डिजिट्स इन टोटल एंड आफ्टर डेसिमल देर विल बी 4 डिजिट्स, सो दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन विच यू गेट, बट यू विल नॉट गेट एन एरर साइन ओवर हियर। उसमें क्या हुआ था, जब हम लोग डेसिमल यूज़ कर रहे थे तब क्या हुआ था, तब यहाँ पे एक एरर आ रहा था, बट यहाँ पे अब व्हेन यू यूज़ फ्लोट तब एरर नहीं आएगा, व्हेन यू यूज़ फ्लोट तब एरर नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज मेंट फॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। सो इफ यू राइट अ बिगर नंबर एंड आपको उसको हमेशा अप्रोक्सीमेट करना है टू 2 डेसिमल, टू 4 डेसिमल, इस केस में 4 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट एन एरर। सो व्हेन यू नो दैट यू वांट टू राइट बिगर नंबर्स एंड यू वांट टू अप्रोक्सीमेट दैट, देन यू कैन यूज फ्लोट। तब आप डेसिमल मत यूज करो, बिकॉज अगर आप डेसिमल यूज करोगे यू विल ऑलवेज गेट एन एरर, यू विल ऑलवेज गेट एन एरर, ठीक है। सो द डिफरेंस, द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड द फ्लोटिंग, दिस इज फिक्स्ड, अगेन देर इज अ टाइपो, सो सॉरी देर इज अ टाइपो यहाँ पे एक, दिस शुड बी फिक्स्ड, ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड द फ्लोटिंग पॉइंट टाइप इज इन द वे द वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इन द मेमोरी। कैसे, देखो सपोज अ नंबर इज 56.3544868 9, अगर आप डेसिमल लिख रहे हो तो वो ऐसे राउंड ऑफ तो होगा, बट यू विल गेट एन एरर, बट यू विल गेट एन एरर विच मीन्स दैट दिस रिमेन्स फिक्स्ड, विच मीन्स दैट दिस रिमेन्स फिक्स्ड, इट कैन हैव ओनली मैक्सिमम ऑफ 6 डिजिट्स एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 4 डिजिट्स, सो दिस इज फिक्स्ड। एंड व्हेन यू राइट फ्लोटिंग, व्हेन यू राइट फ्लोट, इसका क्या मतलब है, यू विल गेट द एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन एंड यू विल नॉट गेट एनी एरर, तो यहाँ पे मेरा जो मेमोरी है दैट इज वेरिएबल, क्लियर है, डेसिमल एंड फ्लोट का डिफरेंस अभी और क्लियर होगा। तो हमने क्या देखा, इंटीजर डेटा टाइप, फिक्स्ड में हमने देखा डेसिमल एंड न्यूमेरिक, फ्लोटिंग में फ्लोट हमने देखा, डबल भी हम अभी देखेंगे। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल, न्यूमेरिक एंड डेसिमल हमने देखा इट इज काइंड ऑफ सिमिलर, न्यूमेरिक इज यूज जनरली व्हेन वी यूज करेंसी। हाँ, डेसिमल एंड न्यूमेरिक आर सेम अनुष्का, जनरली न्यूमेरिक इज यूज व्हेन वी आर यूजिंग, न्यूमेरिक तब भी यूज करो जब हम लोग करेंसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, मेंट फॉर करेंसी, ठीक है, मेंट फॉर करेंसी। वही मैं बोल रही हूँ ना, SQL इज ईजी, बट देर आर सम प्लेसेज वेर इट बिकम्स अ लिटिल कन्फ्यूजिंग एंड दीज आर द प्लेसेज वेर इट बिकम्स अ लिटिल कन्फ्यूजिंग। डेसिमल एंड न्यूमेरिक एग्जैक्टली द सेम, बट द ओनली डिफरेंस आप न्यूमेरिक तब यूज करते हो जहाँ पे आपको जनरली राइट अ करेंसी, ठीक है। फ्लोटिंग एंड डबल में क्या, फ्लोट एंड डबल में क्या डिफरेंस है, फ्लोट का साइज इट कैन एक्सेप्ट 4, डबल का साइज इज 8, प्रिसीशन यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे डबल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी यूज इज 23 एंड 53, सो दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इज नथिंग बट द प्रिसीशन, इसका 23 प्रिसीशन है, इसका 53 प्रिसीशन है, यू कैन यूज ओनली मैक्सिमम ऑफ 23 डिजिट्स इंक्लूडिंग डेसिमल प्लेस के अब लेफ्ट में एंड राइट में, एंड यहाँ पे 53 इंक्लूडिंग डेसिमल के लेफ्ट में एंड राइट में, क्लियर है, क्लियर है। अ प्रोग्रामर हैज़ टू ऑलवेज
take care of the exact data type. So you always have to take care of the exact data type which you are dealing with. Clear hai? Clear hai? Again, size matter karta hai. So if you know that your maximum digits will not cross 23, use float, because the size it will take is 4, not more than that. Any number you write, the size will be taken as 4. Chahe wo 23 se kam ho, to bhi 23 ho, to bhi it will be taken as 4. Theek hai? Other data types mein aate hain, only a few left, and then we'll move on to how to create tables. We'll start with the queries on how to create tables. Because ek bar all the data types are clear, hum log easily distinguish kar payenge ki kaun se column mein kaun sa hume data type dalna hai. So in this class, I will complete all the data types, and then I will want you all to give a quick revision, and tomorrow we'll do how to create tables. Date, again, it is used to represent the date in the format YYY MMDD. Year, month and date. Is format mein we represent a date in SQL. 1st of January 2020 se leke 31st December 2020. How to represent this? This is represented as 2020-12-31. Year, month, and date. Clear hai? Ye cheez dekh lu. Ye maine ek example diya, date data type. Date and time. इस केस में आप टाइम नहीं लिख सकते हो. इस केस में डेट में आप खाली डेट लिख सकते हो. बट अगर आपको डेट एंड टाइम दोनों लिखने हैं, सो यू यूज अ डेटा टाइप कॉल डेट टाइम. यहाँ पे डेटा टाइप इज डेट, यहाँ पे डेटा टाइप इज डेट टाइम. अभी तक एक बार क्विक रिविजन करते हैं. स्ट्रिंग डेटा टाइप था. स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर हमने क्या क्या देखा? कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर, एनम. ठीक है. दूसरा हमने क्या देखा? न्यूमेरिक. उसके अंदर हमने क्या देखा? इंटीजर, स्मॉल इंट, टाइनी इंट, बिग इंट, वो सब. एंड उसके बाद हमने देखा फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड. फिक्स्ड में हमने क्या देखा? डेसिमल, न्यूमेरिक. फ्लोटिंग में हमने क्या देखा? फ्लोट एंड दूसरा क्या था? जल्दी से लिखो. फ्लोट एंड डबल. क्या था? फ्लोट एंड डबल. ठीक है. अब यहाँ देखो, डेट डेट हमने देखा ओनली डेट. यहाँ पे डेट एंड टाइम. ठीक है. डेट एंड टाइम. सो ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? ईयर मंथ डेट डेट एंड देन यू हैव आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स. ऑल्सो मिली सेकेंड्स भी होता है, विच इज अगेन डॉट मिली सेकेंड्स. ऑल्सो यू कैन राइट. ठीक है. सो आर, मंथ एंड सेकेंड्स. आर, मंथ एंड सेकेंड्स. जैसे कि यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, देखो 23:59, 59.99999. ये पूरा क्या हो गया? 11:59:59.999. जस्ट बिफोर 12:00, जस्ट बिफोर 12 AM इज दिस पर्टिकुलर टाइम विच यू सी. क्लियर है? सपोज आई एम सेइंग 15 September 2020 10 AM, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2020 ईयर मंथ डेट 10:00. आर, मिनट्स, सेकेंड्स. दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेट टाइम. दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेट टाइम. ठीक है. इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डेट शोन इन द कैलेंडर एंड टाइम शोन इन द क्लॉक. ऑब्वियसली टाइम स्टैम्प क्या होता है? नाउ देर इज अगेन एक हल्का यहाँ पे लोग कन्फ्यूज होते हैं. Difference between date time and a new data type which we are going to learn, which is timestamp. Now timestamp is used for a well-defined exact point of time. यहाँ पे we'll take a example. ठीक है. Date time clear है and date clear है way of representing. Date time is आपके calendar में क्या date है, आपके time मतलब आपके clock में क्या time है, that will be taken over here in date time. ठीक है. Now there is something called timestamp. What is timestamp? Timestamp is, suppose हम लोग यहाँ पे UTC consider करते हैं. What is UTC? Coordinated Universal Time.
coordinated universal time. I'm not going into details of UTC, you can just simply Google it. ठीक है, जैसे Greenwich Mean Time होता है वैसे there is something called coordinated universal time, UTC. ठीक है, it records the moment in the time as the number of second passed away. देखो, suppose I am saying that something very huge happened in US at exactly this point of time. Maybe something very huge. I'm not using anything negative over here. Something very huge happened in US at this point of time. I am sitting in India. I will say ki kab hua ye 2020 according to timestamp. Main kya bolungi? According to timestamp, I will say 2020. Aaj ka date, aaj ka month kya hai? 10. Date is 28 and time is 11:28:00. This is the time according to me where something happened in US. But a person sitting in, suppose UK, person sitting in UK, उसके according कोई और time आएगा, उसके according कोई और time आएगा, ठीक है? तो ये जो differences आ जाते हैं time के, जिसके वजह से बहुत confusion arise होता है, we use something called timestamp. Timestamp में क्या होता है? It records the moment in the time as the number of seconds passed after 15 September 2020. इसका एक और example लेंगे तो और clear होगा. एक और example लेंगे, रुको. Suppose I say that it represents a moment in time as a number allows you to easily obtain the difference between two timestamps. Now what is the meaning of this? ये जो मैंने US वाला example लिया, इसको continue करेंगे, इसके पहले एक और example हो, और clear होगा. Suppose I am saying that the end time of a particular task is, let's say suppose 15 September 2020, backwards read करें, ठीक है, backwards read करें, 15 September 2020, the end time was 10:10 UTC. Now, start time was this. तो total timestamp क्या हो जाएगा इसका 11:4000. ये कैसे हुआ? This is the number of seconds. This is the number of seconds from 7 to 10:10. From this date to this date, this is the number of seconds passed. ऐसे हम लोग timestamp record करते हैं. Basically timestamp और यहाँ पे UTC, which is nothing but universal coordinated time, which is nothing but एक event हुआ. Colon. नहीं, that doesn't matter अनुष्का, वो matter नहीं करता. Colon ही है ना सब जगह. अच्छा तुम यहाँ बोल जो, नहीं वो डेट में होता है, कोलन है, डेट टाइम में इट इज कोलन, डेट टाइम एंड टाइम स्टैम्प में कोलन है, डेट में वैसे है, ठीक है, दैट डजेंट मैटर. तो हम लोग क्या थे, कहाँ पे थे, यहाँ पे स्टार्ट टाइम है, यहाँ पे एंड टाइम है. सो द डिफरेंस इज बेसिकली ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये जो 11:4000 है ये कैसे कैलकुलेट हुआ. एक टाइम लिया जाता है which is your reference time, उस time से अभी तक. So if I say US में इस moment पे कुछ हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग मेरे तरफ से, like I am sitting in India, someone sitting in UK, हम लोग दोनों at the same ground कब रहेंगे, हम लोग दोनों at the same ground कब रहेंगे, जब हम लोग उसको calculate करेंगे time passed from that event and the time on which I got the information. We got the information on the same time. We both got the information on the same time. तो वहाँ से लेके अभी तक हम लोग उसको accordingly फिर store करेंगे. Basically considering the difference in time. जो हम लोग का time lag है 4.5 hours का between UK and India. तो वो जो time lag है उसको हटा के we record this. This is nothing but the timestamp. It gives you the time. Or it gives you the number of seconds after a particular, after a reference time. After a reference time. So, yahan dekho, it is appropriate when you handle two different time zones together. When there is a company which deals with, deals in two different countries with two different time zones. Un log ke liye timestamp is the perfect thing. Un log ke liye timestamp is the perfect thing. So, suppose London mein agar 3 a.m. ho rahe, India mein, क्या हो रहा होगा, 8:30 AM हो रहा होगा एट द सेम मोमेंट, एट द सेम मोमेंट.
तो उसको इंडिया में मे बी हम लोग ऐसे रिकॉर्ड करें 2020-01013, ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड करें लंदन में, तो एक ही तरीके से वो रिकॉर्ड होगा, विच इज़ 2020-01013-00000 UTC. लंदन का टाइम 3 AM, इंडिया का टाइम 8:30. मैं स्कोर क्लियरली बताऊंगी. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ. एंड दीज आर द डेटा टाइप्स विच वी हैव सीन. पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं. यूटीसी क्लियर है कि नहीं. यूटीसी डिटेल्स में नहीं जाओ अभी, बस इतना ध्यान रखो, इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम पास्ड फ्रॉम अ सर्टन मोमेंट. लंदन में अगर 3 AM हो रहा है, इट विल बी रिकॉर्डेड एज 2020. सपोज 1 January 2020, 3 AM इन लंदन, इट विल बी रिकॉर्डेड एज 2020-01-01. डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन कोलन डैश, दैट डिपेंड्स, दोनों के तरीके से स्टोर हो सकता है, कोलन भी डैश भी. द थिंग विच यू नीड टू सी इज ईयर ईयर, मंथ मंथ, डेट डेट, एंड देन यू हैव द आर, मिनट, सेकेंड्स. यू टी सी लिखना इज इम्पॉर्टेंट. वो अपने आप आ जाते हैं. दिस इज नॉट व्हाट वी राइट, दिस ऑटोमेटिकली कम्स इन. हम लोग वैल्यू डालेंगे, वो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट होके यूटीसी आ जाएगा. तो 3 AM इन लंदन इज रिकॉर्डेड एज लाइक दिस, 8:30. 3 AM इन लंदन इज 8:30 AM इन इंडिया, विच इज अगेन रिकॉर्डेड इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली, इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली. क्लियर है? इट इज रिकॉर्डेड इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली. आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स विच वी हैव सीन. कैरेक्टर, वार, चार, ये दोनों हमने देखा था स्ट्रिंग डेटा टाइप में. इनम वो भी देखा था, वो मैंने यहाँ पे नहीं डाले. डेट ईयर 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 ईयर, मंथ मंथ, डेट डेट, टाइम स्टैम्प, उसमें आर आर, मिनट मिनट, सेकेंड सेकेंड भी आ जाते हैं. टाइम स्टैम्प एंड डेटा रिटन विद इन द कोट्स, ऑलवेज दीज आर रिटन विद इन द कोट्स. यू कैन नॉट perform any mathematical operations in it. You cannot perform mathematical operations in it. Numeric data type. Numeric data type mein kya ho gaya? Integer, decimal, numeric, float and double. Only numeric values are written without any quotes and you can perform your all mathematical calculations on this. Clear hai? Clear hai yahan tak? Next class mein, ye ek aur dekh lo, blob. Blob is nothing but binary large object which refers to a file of binary data. Data where it is stored in ones and zeros. जैसे हम लोग binary format में कैसे store होता है data, one and zero. तो यहाँ पे suppose आपको अपने एक column में text, आपको एक column में video या फिर आपको कोई PDF, आपको एक document या फिर आपको एक Excel file या फिर आपको एक picture store करना है, तो यू कैन सिंपली स्टोर इट इन द फॉर्मेट ऑफ डॉट JPG. अगर आपको एक पिक्चर स्टोर करना है तो वो JPG हो जाएगा, वीडियो तो WAV, अगर आपको एक डॉक्यूमेंट है तो DOC, एक्सेल फाइल है तो XLSX. तो ये सारा डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग द डेटा, ठीक है. क्रिएटिंग द टेबल, वील लर्न दिस इन आर नेक्स्ट क्लास विच इज़ टमोरो. कोई भी डाउट आज के लिए इतना ही. देर आर डिफरेंट डेटा टाइप्स, यू हैव टू रिवाइज द डिफरेंट डेटा टाइप्स विच वी हैव लर्न टुडे. फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन आर SQL. कोई भी डाउट? ओके ओके, बाय.